Our basic aim, to make education free and accessible. Assalamu alaikum students, Taleem and Tarbiyah mein khush aamdeed. Previous lecture mein humne electric field intensity, line up forces padha tha. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, उसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे पहले डिफिनेशन आप लिख दें कि द लाइन ऑफ फोर्सेस फोर्सेस पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया is called electric flux. Electric flux kya hai ki the line of forces passes through any surface area is called electric flux. Ab aapko main diagram se bana ke samjhane ki koshish karta hu. Yani ye hamare paas ek area hai, theek hai, ye hamare paas koi bhi ek area hai. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई ना कोई लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही होंगी इससे, यानी कोई ना कोई चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा। यहाँ से कर लें आप, यहाँ से कर लें, ये 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 और ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर से कोई ना कोई लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, तो ये हमारे पास, इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकली फॉर्म हम लिखते हैं यहाँ पर, कि मैथमेटिकली ये कैसे होगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम किससे नोट करते हैं, उसको हम फाई से नोट करते हैं। ये हमारे पास फाई होती है। अब क्या है कि द लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस को हमने किससे कर दिया, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डॉट चेंज इन एरिया। ये हमारे पास एनी सरफेस एरिया, यानी एरिया कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने क्या करना है कि ये इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि भाई स्केलर वेक्टर में जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोई ना कोई एंगल लगाते हैं, तो फाई हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, फाई हमारे पास हो जाएगा ई डेल्टा ए कोस थीटा के, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि हमने कितनी लाइन ऑफ फोर्सेज पास हो रही हैं किसी भी सर्फेस एरिया से, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमम पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स तब होगा जब हमारे पास थीटा किसके इक्वल होगा, जीरो को इक्वल होगा, यानी थीटा हमारे पास जीरो होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसे, अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला है कि ये हमारे पास ई डेल्टा ए कोस थीटा के इक्वल होता है, थीटा हमारे पास जीरो को इक्वल है, तो आपको पता है कि कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे कॉस जीरो पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डेल्टा है, तो ये हमारे पास क्या है, फाई। यानी हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास एंगल थीटा जीरो होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब हमारे पास दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा कि जब हमारे पास एंगल जो है थीटा जो है वो 90 का बन रहा हो, एंगल अगर हमारे पास 90 का बन रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, मिनिमम होगा। अब कैसे, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कोस थीटा, अब कोस थीटा यानी कोस हमारे पास किसके, कोस 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के, तो ये सब मल्टीप्लाई होगा तो फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, तो यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये कैसे है कि एंगल जीरो हो, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है ना, अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं कि बाहर की तरफ, जैसे अब यहाँ है तो इस बोर्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, इस तरफ, यानी कैमरे की तरफ है डायरेक्शन। इसी तरह हम अगर लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी सब्जेक्ट की, अगर हमारे पास एक ये है कि हमारे पास जीरो पे है, यानी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो अब क्या है आपके पास लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पास होंगी। अगर हमारे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट हो तो लाइन ऑफ फोर्सेस बहुत कम पास होंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, आप लोग इसको नोट कर लें।